देखिए मैंने ये वाली बोतल ली है, इसको धो लिया अच्छे से और इसका कागज़ भी उतार लिया है। ये जो पोछा लगाते हैं ना वो वाला लिक्विड है मेरे पास, यही वाला लाती हूँ मैं। तो इसी बोतल के ऊपर कुछ आपको करके दिखाती हूँ, अभी पेंटिंग करती हूँ या जो भी है तो भी शेयर करती हूँ। देखिए मैंने रेगमार से इस बोतल को घिस लिया था क्योंकि इसके ऊपर मैंने सीमेंट का काम करना था, वाइट सीमेंट को लगाना था। और ये किचन में आ गई मैं इसको लेकर, और चक्कू से मैंने इसका ऊपर वाला हिस्सा काट लिया था ढक्कन से। और देखिए इस तरीके से तिरछाई था ना, तिरछाई कटिंग हुई है इसकी। और एक बार से अच्छी तरह इसको मैंने घिस लिया है ताकि मैं जो भी इस पे वर्क करूँ अच्छे से हो जाए। और ये मैंने वाइट सीमेंट लिया है, आप पुट्टी भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फेविकोल डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है, और एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी मैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरीके की क्वांटिटी होनी चाहिए इस, और सॉरी इस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए इसकी, ताकि हम इसके ऊपर इसको लगाएं तो ये निकले ना। इसीलिए मैंने इसके ऊपर पहले रेग मार लगाया था ताकि ये खुरदरा होकर, जो वाइट सीमेंट मैंने इसका घोल बनाया है ना, तो ये इसके ऊपर चिपक जाए। अगर आप रेग मार नहीं मारेंगे ना तो ये प्लेन सरफेस पर ये चिपकता नहीं और गिरता चला जाता है, तो इसलिए रेग मार मारना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे चम्मच की सहायता से मैं मोटे मोटे स्ट्रोक जो है वाइट सीमेंट के इसके ऊपर इस तरीके से लगाती रहूँगी। और फेविकोल डाला है ना इसमें तो ये इस पर चिपक जाएगा अच्छे तरीके से। बस इस तरीके से रफली मैंने डिज़ाइन बनाया है चम्मच से, ऊपर ऊपर इसके लगाती चली गई हूँ मैं, ऊपर तक पूरी बोतल मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया पूरी बोतल पर मोटा मोटा सा। एक तरह का रफली सा डिज़ाइन बन जाता है कि जैसे हमने हाथ से किसी चीज़ से डिज़ाइन बनाया है। सूखने के बाद ये बॉटल बहुत अच्छी लग रही थी, अब आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ मैं। देखिए और पूरी बॉटल को मैंने इसी तरीके से चम्मच से स्ट्रोक लगा लगा कर कवर कर लिया था। और ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, खुरदरा सा डिज़ाइन बना था पर अच्छा लग रहा था, तो पूरी बोतल पर मैंने इसी तरीके से ये लगा लिया था, डिज़ाइन बनाया था। और आपने इसी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा घोलना है वाइट सीमेंट को, पतला नहीं घोलना, ताकि ये जो है सरफेस पर इसके बोतल के चिपक जाए अच्छे से। और देखिए मैंने पूरी बोतल को ना इसी तरीके से कवर किया था गाढ़ा गाढ़ा सा ये पेस्ट बनाकर। बस ध्यान रहे फेविकोल आप ज़रूर डालें इसके अंदर, चाहे आप वाइट सीमेंट लें या वाइट पुट्टी लें, फेविकोल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेविकोल नहीं डालोगे ना तो ये सूख कर सारा निकल जाता है, तो इसलिए फेविकोल ज़रूर डालें। और पानी इसमें पहले कम ही डालें आप, मोटा मोटा सा लिक्विड बना लें और जो है इसके ऊपर चिपक जाता है अच्छे से। और मैंने फिर पूरा दिन इसको धूप में भी सुखाया था, मैंने ये काम मैं रात को कर रही हूँ। और कुछ तो ये रात में ही सूख गया था, कुछ फिर मैंने सुबह उठा कर इसे धूप में भी रख दिया था, जिससे एकदम से अच्छी तरह से सूख गया था। और इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है तभी इसके ऊपर आप आगे का वर्क करें। अगर आप सुखाएंगे नहीं ना इसको तो ये बेकार हो जाएगी और टूट जाएगी सारी, ये निकल जाता है, तो इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें बीच में क्रैक लगे तो पानी से इसको फिर से दोबारा पानी का हाथ ज़रूर लगा लें, सूखने के बाद भी इसमें थोड़े थोड़े क्रैक आ जाते हैं, तो आप पानी का क्रैक एक बार हाथ ज़रूर लगाएं जहाँ जहाँ आपको क्रैक नज़र आए। तो मैंने ऊपर ही धूप में रखा था और इसमें थोड़े थोड़े से क्रैक आ गए थे, तो पानी से हाथ लगा लगा कर मैंने उनको फिर से स्मूथ कर दिया और वो फिर से मजबूत हो गए। तो थोड़ा सा क्रैक आ ही जाता है, तो अच्छे तरीके से इसको लगाएं आप। देखिए दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से मोटा मोटा ये पेस्ट जो है बॉटल के ऊपर लगाया, चम्मच से ही लगाया, बिल्कुल भी हाथ का यूज़ नहीं किया मैंने, चम्मच से ही इस तरीके से मोटे मोटे से स्ट्रोक मारने हैं। और ये एक तरह का डिज़ाइन बनता चला जाता है हमारा। आप लकड़ी की स्टिक भी ले सकते हैं या आइसक्रीम स्टिक होती है ना जो, उससे भी लगा सकते हैं, पर मेरे अनुसार तो ये जो स्टील की चम्मच है इससे बहुत अच्छे तरीके से ये लग गया था और अपने आप इसके ऊपर एक डिज़ाइन सा बनता जा रहा था रफ सा। तो यही वाला डिज़ाइन इस पर बहुत अच्छा लगता है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की बोतलों का यूज़ आप ज़रूर कीजिए। मैंने ये फ्लावर वाज बनाया है और आप कुछ भी बना सकते हैं इससे, कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ये लिक्विड वाली बॉटलें जैसे हार्पिक की भी होती है या और भी कई चीज़ों की आती है ना बॉटलें, तो आप इस तरीके से उस पर डिज़ाइन बनाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और देखिए मैंने अच्छे तरीके से ना सारे में ये लगा दिया था वाइट सीमेंट, पूरी बॉटल को मैंने कवर कर दिया था। इससे ना ये हैवी भी हो गई थी, अगर हम इसके ऊपर पेंटिंग करते ना तो ये हल्की सी बॉटल थी तो बार बार ये गिर जाती, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वाइट सीमेंट का काम किया ताकि ये थोड़ी सी भारी भी हो जाए और हमारा फ्लावर वाज जो अच्छा बने। और अभी बनने के बाद ये इतनी सुंदर लग रही है, देखिए आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुट्टी तो मैंने इसका यूज़ भी कर लिया। देखिए ये बॉटल के ढक्कन थे, इनको जोड़कर भी मैंने एक ढोलक की शेप दी है और इसके ऊपर भी वाइट सीमेंट ये सारा अप्लाई कर दिया था और एक ढोलक बन गई थी बहुत अच्छी। तो देखिए कैसे मैंने इसको कवर कर दिया सारा और बहुत ही प्यारी सी ढोलक बन गई थी। और ये देखिए ये वाज भी बन गया पूरा और ये तीनों ढोलक और तबले भी बनकर तैयार हैं। अभी इन्हें मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए और ये सूख भी गए, देखिए धूप में से मैं ले आई थी। और इसके ऊपर मैं अब कलर करूँगी, अच्छी तरह से सूख गए थे, एकदम टाइट हो गया था ये। तो देखिए इसके ऊपर येलो कलर किया है मैंने, एक्रेलिक कलर ही, आप अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। मेरे को येलो ही करना था क्योंकि मेरे पास और चीज़ें भी येलो कलर की थी, तो मैंने अपने थीम के अनुसार ही इसको येलो कलर कर दिया था। अच्छे से येलो कलर से पूरे में इसको कवर कर दिया था मैंने। Thank you.
और जो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई थी। और इसके बाद देखिए मैंने ये ब्लैक कलर जो है सूख गया है, तो इसके बाद जो है मैंने ग्रे कलर लिया था उससे भी इसके ऊपर निशान बना दिए थे। और ये ढोलक के ऊपर मैंने ब्राउन कलर करके एक्रेलिक ही कलर किए हैं सब पे, और वाइट कलर से जो है इस तरीके से ढोलक का डिज़ाइन बना दिया था, और बहुत सुंदर लग रही थी ढोलक भी बनकर। और देखिए सारी चीज़ों पर मैंने अच्छे से पेंटिंग कर दी है, और जो मैंने फ्लावर वाज बनाया ना उसके ऊपर सिल्वर कलर की स्पंज से भी स्ट्रोक दिए हैं और फिर गोल्डन से भी दिए हैं। तो देखिए इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। और देखिए सिल्वर को भी मैंने सिल्वर कलर से भी स्प्रेडिंग कर दी थी इसके ऊपर हल्की हल्की स्पंज से, और गोल्डन से भी कर दी थी। और आप बताइएगा आपको मेरे सारे DIY ये कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ढोलक बनकर तैयार है। धन्यवाद दोस्तों, बाय।